हमारे डरबन के थर्ड डे ऑफ एक्सप्लोरेशन के दिन हम गए मोसेस माविदा स्टेडियम, जिसने 2010 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। 2010 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के अलावा यह स्टेडियम अपने वर्ल्ड हाईएस्ट स्विंग के लिए भी फेमस है। थोड़ी बहुत इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला था कि इसकी प्राइसिंग 695 रैंड्स पर पर्सन होगी, तो मैंने और अंशिका ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे एंड इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट स्विंग का एक्सपीरियंस लेंगे। सो वी आर एट मोसेस माविदा स्टेडियम एंड मेरे पीछे इतना बड़ा स्टेडियम है, हम लोग गलत साइड चले गए थे, तो गूगल मैप को मत फॉलो करना। लुक फॉर वर्जिन एक्टिव मोसेस माविदा स्टेडियम एंड फिर आप राइट पार्किंग पे आओगे। अभी हम जा रहे हैं टिकट्स लेने, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत खाली खाली सा लग रहा है ये। Swing is closed. They have closed it permanently after due to COVID, I think. But luckily, we have found a Segway tour, and we are going on a Segway tour. It is going to be for 45 minutes, and we are going to go inside the stadium. From Express Segway Drive tour liya 285 rands ka hai, and ye humko stadium ke andar leke jayenge. These are our Segway rides. Isme se koi ek hume milne wala hai. Are you excited for the tour? Yes. We are all set for our Segway tour. भी हमको आगे जाना है, आगे जाके लेफ्ट पे हमको हमारा टूर गाइड मिलेगा। He will train us on Segway, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ध्यान से चलाना, प्लेन नहीं चला रहे हैं अपन, Segway चला रहे हैं। हम तीनों ने ब्लैक हेलमेट चूज़ किया है। 45 मिनट्स का टूर होगा, हम स्टेडियम के अंदर जाएंगे, पिच पे जाएंगे, सब कुछ देखेंगे। एंड सो लेट्स गो, पहले ट्रेन करते हैं अपने आप को, देन ही इज़ माई टूर गाइड। उसको बोला उधर जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, शैतानी नहीं करना, खुद से नहीं चलाना, मैं सिखाऊंगा तभी चलाना, समझ गए? ये देखिए शैतान को। तो सारे सेफ्टी गियर्स पहनने और फीस पे करने के बाद हमारी हुई सेगवे की ट्रेनिंग स्टार्ट। हमारा गाइड काफ़ी फ्रेंडली था, उसने हमें आराम से सेगवे को कैसे स्टार्ट करना है, बैलेंस करना है, मोड़ने के लिए क्या करना है, रोकने के लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड सफिशिएंट टाइम देकर हमें ट्रेन किया। सो इस 45 मिनट टूर में से 15 मिनट्स डेडिकेटेड थे सेगवे ट्रेनिंग के लिए एंड 30 मिनट्स थे हमारे सेगवे टूर ऑफ मोसेस माविदा स्टेडियम के लिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस और उसके बाद हम रेडी थे अपने मोसेस माविदा स्टेडियम के एक्सप्लोरेशन के लिए। ड्यूरिंग द टूर हमारे गाइड ने वॉलंटियर किया हमारी वीडियोस बनाने के लिए। फाइनली हम एंटर कर रहे थे मोसेस माविदा स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर एंट्री लेते ही मुझे पूरे मोसेस माविदा स्टेडियम का पैनोरामिक व्यू दिखा। मोसेस माविदा स्टेडियम का रूफ थोड़ा थोड़ा वेम्बली स्टेडियम लंदन के रूफ से मैच करता है। स्टेडियम का रूफ एक आर्च शेप में है, जिसकी लेंथ 350 मीटर्स एंड हाइट 106 मीटर्स है। स्टेडियम का पैनोरामिक व्यू देखने के बाद अब टाइम था स्टेडियम के फील्ड पर जाने का। स्टेडियम के सेंटर में खड़े होने के बाद एक अलग ही फीलिंग थी। नीचे फील्ड में पहुंचकर हमारे टूर गाइड ने हमें स्टेडियम के बारे में काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स बताए। हमारे गाइड ने हमको बताया कि यह स्टेडियम एक बार में अराउंड 55,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है एंड इसका डिज़ाइन ऐसा है कि अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी को अप टू 75,000 तक किया जा सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेडियम की सीट्स दो शेड्स में है, ब्लू विथ वाइट एंड ऑरेंज विथ वाइट। तो हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि जब ओशन वेव्स और रेत मिलते हैं तो ये सीटिंग डिज़ाइन उस चीज़ को डिपिक्ट करती है। फील्ड पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एंड कुछ फोटोज खिंचाने के बाद अब समय था स्टेडियम को गुड बाय कहने का।
फील्ड से निकलकर हमने अपने सेगवे से स्टेडियम के सराउंडिंग्स को थोड़ा और एक्सप्लोर किया। अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स के बाद अब समय था इस अमेजिंगली मोसेस मबिदा स्टेडियम के सेगवे टूर को ख़त्म करना। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल माय ट्रेवल एस्केपिंग्स। सो वी आर डन विद द सेगवे टूर। मज़ा ही आ गई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। हमारा टूर गाइड वॉज सो अमेजिंग, ही ऑप्टेड अस कि वो हमारे वीडियोस बनाएगा एंड मैं एक बार गिरते गिरते बचा, लकीली वो कवर नहीं हो पाया, मैं बच गया। ये भी गिरते गिरते बची, अब अगला नंबर इसका है, पता नहीं कहाँ गिरेगी ये। पर सीरियसली यू व्हेन यू कम हियर यू मस्ट डू द सेगवे टूर।